वैसे तो मैं एक शरीफ इंसान हूँ, आप ही की तरह श्रीमान हूँ, मगर अपनी बाई आंख से बहुत परेशान हूँ। अपने आप चलती है, लोग यूं समझते हैं कि चलाई गई है, जानबूझकर मिलाई गई है। एक बार बचपन में, शायद सन 55 में, क्लास में एक लड़की बैठी थी पास में, नाम था सुरेखा। उसने हमें देखा और हमारी आंख बाई चल गई। उसने हमें देखा और हमारी आंख बाई चल गई। लड़की क्लास छोड़कर बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद हमें है याद, प्रिंसिपाल ने बुलवाया, लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाया। हमने कहा जी भूल हो गई। वो बोला ऐसा भी होता है भूल में, शर्म नहीं आती है ऐसी गंदी हरकत करते हो स्कूल में? इससे पहले कि हकीकत बयान करते फिर चल गई। इससे पहले कि हकीकत बयान करते फिर चल गई। प्रिंसिपाल को खल गई। हुआ ये परिणाम कि कट गया नाम, बमुश्किल तमाम मिला एक काम। तो इंटरव्यू में खड़े थे क्यू में, एक लड़की थी सामने अड़ी, अचानक मुड़ी नजर उसकी हम पर पड़ी और आंख चल गई। लड़की उछल गई, दूसरे उम्मीदवार चौंके, लड़की का पक्ष लेकर भौंके। फिर क्या था, मार मार जूते चप्पल फोड़ दिया बक्कल, सिर पर पांव रखकर भागे, लोग बाग पीछे हम आगे। घबराहट में घुस गए घर में, भयंकर पीड़ा थी सर में, बुरी तरह हांफ रहे थे, मारे डर के कांप रहे थे। तभी पूछा उस घरवाली ने, कौन? हम खड़े रहे मौन। वो बोली बताते हो या किसी को बुलाऊं? और इससे पहले कि मैं जुबान हिलाऊं चल गई। वो मारे गुस्से के जल गई, साक्षात दुर्गा सी दिखी, बुरी तरह चीखी। बात की बात में जुड़ गए अड़ोसी पड़ोसी, मौसा मौसी भतीजे मामा, मच गया हंगामा, चड्डी बना दिया हमारा पैजामा, बनियाइन बन गया कुर्ता, मार मार कर बना दिया भुरता। हम चीखते रहे और पीटने वाले हमें पीटते रहे, भगवान जाने कब तक निकालते रहे रोष। और जब हमें आया होश तो देखा अस्पताल में पड़े थे, डॉक्टर और नर्स घेरे खड़े थे। हमने अपनी एक आंख खोली तो एक नर्स बोली, दर्द कहाँ है, दर्द कहाँ है, हम कहाँ कहाँ बताते? और इससे पहले कि कुछ कह पाते चल गई। चल गई नर्स, कुछ नहीं बोली। माय गॉड, नर्स कुछ नहीं बोली, मगर डॉक्टर को खल गई। बोला इतने सीरियस हो फिर भी ऐसी हरकत कर लेते हो इस हाल में, शर्म नहीं आती मोहब्बत करते हो अस्पताल में? उन सब के जाते ही आया वार्ड बॉय, देने लगा अपनी राय, भाग जाए चुपचाप, नहीं जानते आप, बात बढ़ गई है, डॉक्टर को गड़ गई है, केस आपका बिगड़वा देगा, और न हुआ तो मरा हुआ बतला कर जिंदा ही गड़वा देगा। एक दिन सवेरे बाप जी हमारे बोले हमसे, क्या कहें तुमसे, कुछ नहीं कर सकते तो शादी ही कर लो, कुछ नहीं कर सकते तो शादी ही कर लो, लड़की देख लो, मैंने देख ली है, जरा हेल्थ की कच्ची है, बच्ची है, फिर भी अच्छी है, जैसी भी आखिर लड़की है, बड़े घर की है, फिर बेटा यहाँ भी तो कड़की है। हमने कहा जी अभी क्या जल्दी है? वे बोले गधे हो, ढाई मन के हो गए, मगर बाप के सीने पर लदे हो, वो घर फंस गया तो समझ जाओगे, खोटे सिक्के हो मगर चल जाओगे। तब एक दिन भगवान से मिलके धड़कता दिल ले पहुंच गए रुड़की, देखने लड़की शायद हमारी होने वाली सास, बैठी थी हमारे पास, बोली यात्रा में तकलीफ तो नहीं हुई? और हमारी आंख मुई चल गई, हमारी आंख मुई चल गई। वे समझी कि मचल गई, बोली लड़की तो अंदर है, मैं लड़की की माँ हूँ। लड़की तो अंदर है, मैं लड़की की माँ हूँ। लड़की को बुलाऊं? और इससे पहले कि मैं जुबान हिलाऊं चल गई दोबारा। उन्होंने किसी का नाम ले पुकारा, फिर झटके से खड़ी हो गई। हमारे बाप जी का सारा प्लान ही धो गई। हम जैसे गए थे लौट आए, घर पहुंचे मुंह लटकाए, पिताजी बोले अब क्या फायदा मुंह लटकाने से,
आग लगे ऐसी जवानी में, तू मरो चिल्लू भर पानी में, नहीं डूब सकते तो आंख फोड़ लो, नहीं फोड़ सकते तो हमसे नाता ही तोड़ लो, जब भी कहीं जाते हो पिट कर ही आते हो, अरे भगवान जाने कैसे चलाते हो। अब आप ही बताइए, अब आप ही बताइए, क्या करूं, कहां जाऊं, कहां तक गुनगाऊं, अपनी इस आंख के कमबख्त जूते खिलवाएगी लाख दो लाख के। अब आप ही संभालिए, मेरा मतलब है कोई रास्ता निकालिए, जवान हो या वृद्धा, पूरी हो या अद्धा, केवल एक लड़की जिसकी एक आंख चलती हो पता लगाइए, और मिल जाए तो काका जी को बताइए।